नीमच में आज सुबह 5:30 बजे के करीब कुछ दौड़ निवासी जैन परिवार की महिला श्रीमती मंजू देवी, पति जिनेंद्र कुमार जैन, उम्र 57 वर्ष, अपने देवर और उसकी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन जा रहे थे। तभी पुल पार करते समय गाडगिल सागर डैम के कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक बिना किसी सूचना के पानी छोड़ा। पानी का बहाव तेज होने के कारण अचानक इनका वाहन फिसल गया और पानी में बहने लगा। अचानक गिरने से श्रीमती मंजू देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जहां से महिला को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वही एक बात सोचने वाली है कि डैम के कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। उसी रास्ते से सुबह पढ़ने के लिए स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, ऐसे में इनकी लापरवाही से गंभीर हादसा बड़ा रूप ले सकता है। क्या आपको लापरवाही यहाँ सामने दिखी है और किस तरह का क्या घटना रही है? कुछ रोज गाँव के अंदर मेरी बुआ है, वो कहीं बाहर कार्यक्रम में जा रहे थे। सुबह 5 बजे के आसपास का टाइम है, तो जैसे ही वो पुलिया पर क्रॉस कर रहे थे, अचानक उधर से पानी का बहाव आया। उसके पहले कोई बहाव नहीं दिखा था इनको, इसलिए ये अपने रूटिंग में निकल ही रहे थे, और अचानक गाडगिल डैम से जो पानी का बहाव आया, उस बहाव की वजह से ये पूरा परिवार जो है मोटरसाइकिल पर जो भी लोग थे वो सब बह गए। उसमें मेरी बुआ जी शांत हो गई। मुझे लगता है कि गाडगिल डैम का जो पानी छोड़ा गया है उसमें काफ़ी कर्मचारियों की लापरवाही रही है, क्योंकि अगर उनको पहले सूचना देना चाहिए थी कि भाई गाडगिल के डैम खोले जा रहे हैं, या फिर जो नज़दीक में जो पुलिया है उसके पास अपने कर्मचारी भेजना चाहिए, जिससे कि आने जाने वाले को ये पता चले कि भाई अभी अचानक पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो सुना है रोड पे कई सारा आवागमन भी रहता है सुबह सुबह के टाइम पे, काफ़ी सारा बच्चों का, स्कूल का। जी जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डैम पे जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही रही है, और उसकी वजह से आज एक महिला की मौत हुई है। बड़ा विचारणीय प्रश्न है ये, और प्रशासन को चाहिए कि इस टाइप की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से थोड़ा ध्यान दें और आगे कोई घटना नहीं घटे। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जो पानी का बहाव जो आना था, वो प्रशासन को वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाए कि पुलिया है, जो बड़ी बड़ी पुलियाएँ हैं जहाँ से पानी का निकास है, वहाँ पर किसी कर्मचारी का व्यवस्था रखी जाए, जिससे कि आने जाने वाले को वो सूचना दे सके।